नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के इस वीडियो में जो हम प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। प्रश्न है, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम आज अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हमें समय दिया गया है, दर नहीं दी गई है और ये बताया गया कि राशि क्या हो गई, डबल हो गई। तो पहले हम मान लेते हैं कि इसका मूलधन क्या है। मूलधन को हमने इस प्रश्न में पी मान लिया है। ठीक है, अब जब मूलधन को हमने पी मान लिया है, राशि डबल हुई है, तो ब्याज भी कितना मिला होगा, ब्याज भी पी मिला होगा। ठीक है, इसके अलावा हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न में हमें समय दिया गया है। समय क्या है, समय है 8 वर्ष। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है दर को। तो दर को हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसी फॉर्मूले के आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर, ठीक है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, इसके बराबर में होता है मूलधन गुणा दर और गुणा समय बटे में होता है 100। ठीक है, तो ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले पर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब साधारण ब्याज क्या है, इसमें इसमें साधारण ब्याज है पी, मूलधन क्या है, मूलधन भी पी है, दर क्या है, दर हमें पता नहीं है तो ज्यों का त्यों लिखा रहने देंगे, और समय है 8 वर्ष। तो हमने यहाँ पर 8 लिख दिया और बटे कर दिया 100। अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो दर बराबर कितना निकलेगा, 100 के गुणा में तो हो जाएगा पी, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, 8 और पी इसके नीचे आ जाएगा, पी गुणा 8 यहाँ लिख दिया, पी से पी कट जाएगा, दर बराबर क्या बचेगा, 100/8। अब 100/8 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 12.5%। यानी कि कोई राशि अगर डबल करना हो तो दर क्या रखनी चाहिए, 12.5% या 12.5% हमें दर रखनी चाहिए। ठीक है।